प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में ज्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। सीएम गहलोत भी बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में अलग अलग राज्यों के सीएम ने पीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी। बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में कोयले सहित मुख्य खनिजों के रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। उन्होंने जीएसटी के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया। बघेल ने जून 2022 के बाद भी अगले 5 साल के लिए जीएसटी मुआवजा अनुदान जारी रखने की अपील की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली के कारण राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों पर 12,000 करोड़ के खर्च की प्रतिपूर्ति की मांग भी की। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मीटिंग का बहिष्कार किया था। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं हुए। केसीआर ने कई मुद्दों को लेकर बॉयकॉट किया। उन्होंने कहा, मुझे नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेना जरूरी नहीं लग रहा है। केंद्र राज्यों के साथ भेदभाव करता है और भारत को मजबूत और विकसित देश बनाने के सामूहिक प्रयास में भागीदारी नहीं करता। केसीआर ने बकायदा पत्र लिखकर मीटिंग में ना आने की वजह बताई है।